हिंदी फिल्म हेड्स ऑफ मंजरी का मंगलवार को होटल में मुहूर्त हुआ। महक मूवीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म के निर्माता राजेश कुमार और निर्देशक राज नायक हैं। इन्होंने बताया कि ये फिल्म महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक आवाज है। फिल्म में सभी कलाकार राजस्थान के हैं, जिनमें मुख्य कलाकार लावण्या खत्री, शकूर खान, सिकंदर चौहान और सुरेश चौहान हैं। हेड्स ऑफ मंजरी की शूटिंग राजस्थान, दिल्ली और मुंबई आदि जगहों पर की जाएगी। फिल्म की कहानी राज नायक ने लिखी है। एंड हमारी फिल्म का टाइटल है हेड्स ऑफ मंजरी। मंजरी बोले तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फुटपाथ पर रहती है, कैसे स्ट्रगल करके समाज के अंदर अपने वजूद को खड़ा करती है, और उनके साथ तीन लड़कियां और भी हैं जो उसको मोटिवेशन देती है एंड इस लड़की को एक आइडेंटिटी दिलाती है। और राजेश जी हैं हमारे बीच में, हम दोनों डायरेक्शन कर रहे हैं इसमें, मैं भी डायरेक्शन कर रहा हूँ एंड प्रोड्यूसर भी राजेश जी हैं। जब मैंने राजेश से ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि इसको बहुत जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बिल्कुल गरीब है और फुटपाथ पे है, जिसका कोई भी नहीं है। हाँ, बाकी कहानी का तो दम ज़्यादातर राइटर ही बताएगा क्या है। जहाँ तक इसकी फिल्म की मेकिंग और हम लोकेशन की बात करेंगे, राजस्थान में तो शूट करेंगे ही करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी राजस्थान, दिल्ली के अलावा इसके जो गाने हैं हम लोग किसी हिल स्टेशन वगैरह पे भी जाके शूट करें। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि इस फिल्म में मैं अपना काम से दिखा सकूं कि हाँ, रियली राजस्थान में बहुत अच्छा टैलेंट है। बाकी बॉम्बे वगैरह में मैं अभी कर रहा हूँ, काफ़ी सीरियल्स मैंने किए हैं, और मुझे राजस्थान के लिए जब भी मौका मिलता है यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम करने का तो मैं दिल से दौड़ा आता हूँ। राज नायक इसके डायरेक्टर हैं और मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर कॉमेडी के लिए मुझे इसमें इन्वॉल्व किया है, और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चूँकि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के काफ़ी सालों से और लोग काफ़ी एग्रीसुद है, और मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राजनायक जी का जिन्होंने मुझे याद किया है, और मैं बहुत बढ़िया करेक्टर करूँगा ये मुझे उम्मीद है। सीरियसली, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। इन द सेंस, इसमें जो मेरा करेक्टर रहा है, लीड प्ले कर रही हूँ, जो कि मंजरी का है। एंड जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मंजरी जैसे लोगों को समाज में अंडर स्टेटमेंट किया जाता है, तो हम लोग की यही कोशिश है कि आई होप इस मूवी को देखने के बाद लोगों का बिहेवियर चेंज हो और उनकी मेंटलिटी चेंज हो। इसकी इस मूवी के अंदर जो मंजरी लीड रोल कर रही है उसका हम सपोर्ट करते हैं, वो फुटपाथ पे होती है, हम उसको आगे बढ़ाने का उसका सपोर्ट करते हैं। हम तीन गर्ल्स, उसका तीन गर्ल्स है और एक मंजरी है, इस मूवी के अंदर फोर गर्ल्स है, तो हम उसको आगे बढ़ाने में बहुत उसका सपोर्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हीरल जैन है, और इस मूवी में मंजरी करके एक कैरेक्टर है जो फुटपाथ से है, बहुत ही गरीब परिवार से है, और हम तीन लड़कियां हैं जो उसका सपोर्टर बनती हैं, उसका मोटिवेशन देती है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, उसको अपनी पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम उसे अपनी जगह से उसको एक लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं।